नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधि टेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंस केस के बारे में। तो जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे व्हीकल लोन के बारे में, गाड़ी के लोन के बारे में। बहुत सारे लोग जिन्होंने भी किसी न किसी बैंक से या किसी न किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, फाइनेंस कराया है, आज हम लोग उनमें से बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछे गए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का उत्तर लेकर के आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और उसके आंसर के बारे में जानेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, कोई भी व्हीकल लोन होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। फाइनेंसर क्या करते हैं कि आपकी चलती हुई गाड़ी को रोड से उठा लेते हैं, कोई सीजर नहीं देते हैं, आपकी गाड़ी को सीज कर लेते हैं, ले जा करके यार्ड में खड़ी कर देते हैं, कोई भी गाड़ी आपसे सरेंडर करा लेते हैं, उसको वो औने पौने दामों में नीलाम कर देते हैं और फिर आपसे बेतहाशा पैसे मांगते हैं। कोई भी फाइनेंसर करता है क्या है कि रिकवरी एजेंट को भेज करके आपके घर से गाड़ी उठवा लेता है, आपको परेशान करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं जो कि आपका बहुत ही हेल्प करेगा अगर आपने किसी भी कंपनी से गाड़ी फाइनेंस कराया है। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर कोई पूछता है, तो हर किसी के प्रश्नों का उत्तर वन बाय वन देना मैंने उचित नहीं समझा, तो मैंने सोचा कि बोर्ड के माध्यम से आप सभी को एक बार समझा दूं कि किस तरीके से आपको इन प्रश्नों पे काम करना है अगर आपने कोई भी गाड़ी फाइनेंस कराई है। तो गाड़ी फाइनेंस कराते समय और गाड़ी फाइनेंस कराने के बाद कौन कौन सी सावधानियाँ आपको ध्यान में रखनी है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपके बहुत ही काम की होने वाली है अगर आपने किसी भी कंपनी से कोई भी गाड़ी फाइनेंस कराई है। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि क्या गाड़ी को सरेंडर करने से लोन खत्म हो जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी गाड़ी उठा करके फाइनेंसर को दे दें, बैंक को दे दें, हमारा लोन ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने एक ट्रक फाइनेंस कराया है और आपके ऊपर 24 लाख रुपए का लोन है और आप उस पैसे को नहीं भर पा रहे, बैंक बार बार आपकी गाड़ी को पकड़ ले रहा है, फाइनेंसर आपकी गाड़ी को बार बार पकड़ ले रहा है रिकवरी एजेंट के माध्यम से। अब आप इतने तंग आ गए कि जब गाड़ी चली नहीं रही है तो लोन कैसे देंगे। आप क्या करते हैं, उठा करके गाड़ी को फाइनेंस कंपनी के सामने खड़ी कर देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, ना आप कोई पेपर लेते हैं ना बैंक कोई पेपर देता है। तो क्या गाड़ी को सरेंडर करने से आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपनी गाड़ी को सरेंडर करते हैं हमारा झंझट ख़त्म। तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। देखिए मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की वैल्यू 100 रुपये है, हालांकि किसी भी गाड़ी की वैल्यू 100 रुपये नहीं होती है, हमने एक एग्जांपल के रूप में आपको बताया है। अब आपका लोन है 200 रुपये का, 200 रुपये का लोन है, 100 रुपये की गाड़ी है, तो गाड़ी की वैल्यू 100 रुपये है। तो अगर आप इस वैल्यू की गाड़ी को ऐसे ही दे देंगे तो आपका जो लोन है वो क्या है, एज इट इज़ रहा। बैंक आपकी गाड़ी को 100 रुपये की गाड़ी को 10 रुपये में बेच देगी, यानी कि 24 लाख का लोन है और आपने गाड़ी को उठा करके दे दिया और आपकी गाड़ी की उस समय कीमत 20 लाख रुपये थी, तो आपकी गाड़ी को बैंक औने पौने दाम में बेच देगी। तो ऐसे कंडीशन में गाड़ी को सरेंडर नहीं करना चाहिए, किसी भी कंडीशन में गाड़ी का सरेंडर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो यही गाड़ी आपका लोन बचाएगी और यही आपको NOC दिलाएगी। ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कैसे। तो गाड़ी को कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए। सरेंडर कब करना चाहिए, जब आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो बैंक के साथ एग्रीमेंट करके वैल्यूएशन करा करके आपको गाड़ी सरेंडर करनी है। 24 लाख का लोन है, 20 लाख की गाड़ी है, तो आप 20 लाख की गाड़ी को अगर 18 लाख में बेचते हैं तो आपका जो 6 लाख का बैलेंस बचता है 6 लाख पे सेटलमेंट कर लीजिए। 6 लाख में से भी आपको बैंक को 3 लाख रुपए देने हैं, 3 लाख को आप 6 महीने में दे दीजिए, आपका लोन पेड अप हो जाएगा, आपको बैंक NOC दे देगी। तो ये होता है सरेंडर करने का तरीका। आपने उठाया गाड़ी, उठाकर ले आके फाइनेंसर के गोडाउन में खड़ा कर दिया, घर पे चले आया, चाबी दे दिया मैनेजर को, तो वो उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है, क्या गाड़ी को सरेंडर करना चाहिए,
पहले ही प्रश्न में दूसरा प्रश्न भी ऐड है कि क्या गाड़ी को सरेंडर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, गाड़ी को तो सरेंडर करना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी गाड़ी है तो वो आपके लोन को पेड करा सकती है। अगर 10 लाख का लोन है, गाड़ी की वैल्यू 8 लाख रुपए है, अगर गाड़ी को 6 लाख में भी बेचते हैं तो 4 लाख का आपका फ़ायदा होता है। तो 4 लाख रुपए में अगर आपका बैंक सेटलमेंट करता है तो उसमें भी आपको 2.5 लाख रुपया दे करके आप सेटलमेंट करा सकते हैं और आपका लोन पेडअप हो जाएगा, बैंक आपको NOC दे देगी। लेकिन गाड़ी को किसी भी कीमत पे सरेंडर मत करिए। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तभी सरेंडर करिए, वो भी एग्रीमेंट के साथ, मैंने बार बार बताया है। तीसरा जो प्रश्न है, गाड़ी को किसे और कैसे बेचना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका लोन है और आप चाहते हैं कि गाड़ी को हम बेच करके लोन चुकाएं, तो आप सोचते हैं कि हम गाड़ी को सरेंडर कर दें भैया, अब हम इसको भर नहीं सकते हैं लोन को, हम बार बार मेरी गाड़ी पकड़ी जा रही है। तो आपको गाड़ी को सरेंडर नहीं करना है, मैं फिर कह रहा हूँ, गाड़ी को सरेंडर मत करिए भैया, कभी मत करिए। आपकी गाड़ी आपका लोन चुकाएगी। अब कैसे, हम बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है 20 लाख रुपए की, लोन है आपका 24 लाख का, 20 लाख की गाड़ी 24 लाख का लोन। अब इस 20 लाख की गाड़ी को बैंक या फाइनेंसर कितने में भी बेचेगा, आपको गाड़ी को कम से कम 6 लाख या 7 लाख में बेचेगा। लेकिन आपको पता है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू 20 लाख रुपए है, तो आप अपनी गाड़ी को 18 लाख से कम में नहीं बेचेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सेल एग्रीमेंट करना है। एक आप सेल एग्रीमेंट एक प्राइवेट व्यक्ति को पकड़ करके, यानी किसी अपने दोस्त यार को पकड़ करके उनसे कहिए कि मेरी गाड़ी 20 लाख की है, मैं आपको 18 लाख में देने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे वो 18 लाख रुपया अभी दे दीजिए, हम गाड़ी को एक महीने दो महीने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, जैसे ही बैंक में NOC हमको देगी तब। अब जैसे ही आपको 18 लाख मिले, 24 लाख रुपये के लोन को आप 19 लाख या 20 लाख में सेटलमेंट करा सकते हैं, तो 18 लाख आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 1-1.5-2 लाख रुपये जो कम पड़ेगा वो आपको अपने पास से लगा लेना है, और फिर आपका ऐसे लोन सेटल्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो NOC मिलेगी वो जहाँ पे आपने सेल एग्रीमेंट किया है वहाँ पे उनको दे करके अपना रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे करा सकते हैं, और इस तरीके से आपका लोन भी पेड अप हो जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी कंडीशन में कोई भी क्वेश्चंस हो कि आपका फाइनेंसर कंपनी से विवाद है, अगर बैंक से विवाद है, अगर आपने गाड़ी ली है, फाइनेंस में गाड़ी ली है, तो आपको अपनी गाड़ी को सरेंडर नहीं करना है। अगर आपने गाड़ी सरेंडर कर दी तो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। तो किसी भी कंडीशन में आपके पास एक यही ऑप्शन होता है कि क्या हम गाड़ी सरेंडर कर दें तो हमारा लोन पेड अप हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करिए। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।